अच्छा ये पढ़ना जरा क्वेश्चन, देखो क्या बनाओगे पॉइंटर्स। समझ आ गया। अब ये इसने बात करी है चिल्ड्रन की, हैव एन इजी लाइफ, अदर्स थिंक लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन है, वॉज इजियर इन द पास्ट। अब कंपैरिजन किसका है, पास्ट एंड प्रेजेंट। क्वेश्चन इज ऑफ अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। कहाँ पे लाइफ अच्छी थी? अब वो ओपिनियन पूछे ना पूछे, आपने ओपिनियन देना है। आई विल बी मेकिंग इट वेरी हेड क्लियर टू एवरीवन कि ये मत सोचना कि उसने ओपिनियन नहीं पूछा तो ओपिनियन होता नहीं है। ओपिनियन पूछे या ना पूछे, हर क्वेश्चन में ओपिनियन होता है। किसी में साइलेंट होता है, किसी में ऑब्वियस होता है। अब वो कहता है डू यू अग्री और डिसअग्री, तो उसमें जब तक ओपिनियन नहीं बनेगा कि आई अग्री, आई अग्री इज़ एन ओपिनियन, आई अग्री एक हमारी राय है, तब तक आंसर कैसे बनेगा? अग्री इज ऑल्सो एन ओपिनियन। ओपिनियन वर्ड अगर नहीं भी है तो ओपिनियन तो हमारी बनेगी बनेगी। समझ गए हो? इज इट क्लियर? डोंट ट्राई टू हैव अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड कि ओपिनियन नहीं पूछा तो ओपिनियन के बिना इससे बनेगा, ओपिनियन के बिना पॉइंट्स क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे। इज इट क्लियर? द क्वेश्चन इज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, विच लाइफ वॉज ईजी इन द पास्ट और प्रेजेंट? प्रेजेंट। अब एक स्टेटमेंट और लिखो, फिर वो मुझे पढ़ के समझाना कि दोनों में सिमिलैरिटी है कुछ। स्टेटमेंट थी, सम पीपल बिलीव, सम पीपल बिलीव दैट आर फोर फादर्स, फोर फादर्स और एंसेस्टर्स, फोर फादर्स करो वर्ड। सम पीपल बिलीव दैट आर फोर फादर्स वर मच मोर हैप्पियर, वर मच मोर हैप्पियर देन अस, देन अस यूएस। बस दो चीज़ें हो सकती हैं, स्टेटमेंट यहाँ पर छूट भी सकती है, फुल स्टॉप। और अग्री डिसअग्री भी आ सकता है, डिस्कस भी आ सकता है, डिस्कस बोथ साइड्स भी आ सकता है, गिव योर ओपिनियन तो चलेगा ही चलेगा। स्टेटमेंट समझ आई? फोर फादर्स कौन होते हैं? एंसेस्टर्स कौन होते हैं? एंसेस्टर्स तो कुछ ज़्यादा पीछे चले गए ना, फोर फादर्स कौन है? हमारे दादा परदादा, जनरेशन से आगे जनरेशन। अब ये दोनों में कोई फर्क है? एक वर्ड का फर्क है, चिल्ड्रन और फोर फादर्स। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इज इट क्लियर? अब एक थर्ड स्टेटमेंट लिखो, देखो आपको वो भी आइडेंटिकल लगेगी, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप बताना लगेगी कि नहीं। सम पीपल बिलीव लाइफ इज बेटर विथ टेक्नोलॉजी, लाइफ इज बेटर विथ टेक्नोलॉजी वेयर एज अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन, अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट लाइफ वॉज बेटर वेन टेक्नोलॉजी वॉज सिंपल, वेन टेक्नोलॉजी वॉज सिंपल। अब बच्चे इसमें भी दोनों चीज़ें आ सकती हैं, डिस्कस बोथ साइड्स, अग्री डिसअग्री और गिव योर ओपिनियन, कुछ भी हो सकता है। अब ये तीन स्टेटमेंट्स जस्ट टेक अ मिनट टू रीड दैट, डू यू थिंक फॉर्मेट इज द सेम? क्या चीज़ सेम है? लिखते लिखते पता चल गया। हाँ जी, बैक साइड क्या? पिछले में टाइम लगा था, टेक्नोलॉजी का
वेरी गुड, आगे आ जा, गुड आंसर. ही इज सेइंग के बेस तो वही रहेगा, दैट इज एन आंसर, कि बेस वही रहेगा, ट्विस्ट एंड टर्न हो जाएगा. अब इसमें उसने टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं करी. सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने दी, मैंने उसमें भी टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी. लेकिन जब भी पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन आएगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने आंसर्स क्रैम नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. आई कीप ऑन टेलिंग यू वन थिंग रेगुलर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. जब भी पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन आएगा, पास्ट में क्या था, टेक्नोलॉजी वॉज सिंपल. प्रेजेंट में क्या है, टेक्नोलॉजी इज एडवांस. सो इफ़ यू गिव अ थॉट टू इट, विच लाइफ इज बेटर, प्रेजेंट और पास्ट? प्रेजेंट. दिस लाइफ इज बेटर, वाई? वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. जब हम एक एक वर्ड को माइंड में लेते हैं ना, पॉइंटर को, हमारा आंसर ऐसे बनता है. और जब हम पूरा उसको पढ़ते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता. प्रेजेंट इज बेटर बिकॉज दिस बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी. पास्ट में क्या था, लाइफ वॉज स्लो, डल एंड सिंपल बिकॉज टेक्नोलॉजी वॉज. दिस इज अ कंपेरिजन. तो अब इसका आंसर भी आप बना लोगे. एक का आंसर हम डिस्कस करते हैं, आई गिव यू द पॉइंटर्स, बाकी दो आप खुद से करोगे. इज इट क्लियर? फाइन. अब हम किसके कॉन्टेक्स्ट में करें बताओ, फोर फादर्स करें, चिल्ड्रन करें, या कुछ करें, जो आप कहते हो वही कर लेते हैं. बोलो, चिल्ड्रन का करें. चलो चिल्ड्रन कर लेते हैं. अब आप एक मिनट के लिए सोचो कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने बच्चों को क्या बेनिफिट दिया है. यहाँ पे चिल्ड्रन, यंगस्टर्स, यूथ, टीनेजर सारे कर लेने हैं मैंने. हाँ जी बोलो, हाउ चिल्ड्रन आर बेनिफिटेड विद टेक्नोलॉजी? बच्चों में हम जॉब्स डाल सकते हैं. दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू दैट पिक अप अ कैटेगरी. क्या बेनिफिट है बच्चों को? स्टडी हैज बीन ईजी. चिल्ड्रन आर एंटरिंग इन टू द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. दे आर बिकमिंग टेक फ्रेंडली. आज से चलो 20 ईयर्स तो ज़्यादा हैं, 10-15 ईयर्स ही बैक चले जाओ, अपनी चाइल्डहुड में आ जाओ. वर यू टेक फ्रेंडली? आप लोगों को इतना मोबाइल चलाना आता था? नहीं आता था. आपको इतनी गेम्स आती थी? आप इतनी सर्च करते थे? नहीं करते थे. आप कंप्यूटर्स ऑन ऑफ करते थे? नहीं करते थे. सो दिस इज़ अ डिफरेंस. और बहुत ज़्यादा डिफरेंस पास्ट का नहीं ले रही मैं, अभी थोड़े सालों पहले का ले रहे हैं. ओके, सो आई थिंक आई बी गिविंग यू द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल द स्टेजेस. चिल्ड्रन के भी दे देती हूँ, फोर फादर्स के भी दे देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. और एक तीसरा कौन सा था? हाँ, थ्री क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने, टू. लाइफ इज़ बेटर विद टेक्नोलॉजी और नॉट? ओके, बेसिकली वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी? साइंस और टेक्नोलॉजी के नोट्स मिले हैं कि नहीं अभी? अभी नहीं टर्न आई, नेक्स्ट वीक आ जाएगी फिर, क्योंकि मैं इन एडवांस क्वेश्चंस पकड़ रही हूँ, फिर नोट्स दे रही हूँ आपको. हाँ जी बोलो, क्या बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी के? साढ़े सात, इतने बैंड सही हैं. ये देखो 7.5 to 8. बेड के पीछे लगा के रख लेना कि 15,000 का पेपर है, इससे कम नहीं सोचना. एफर्टलेस, एररलेस तो बहुत सीधा सा है. और वो तो बोलो, शाबाश, थोड़ा सा दिमाग और. टेक्नोलॉजी मेक्स द कंट्री प्रोग्रेसिव. सिर्फ तीन चीज़ें याद रखना, टेक्नोलॉजी मेक्स द कंट्री प्रोग्रेसिव सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. सोशल के अंडर 3 points, इकोनॉमिक के अंडर 3 points, और पॉलिटिकल के अंडर 2 or 3 points. ये ओवरऑल
प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें ये दो क्वेश्चंस आ जाएंगे और चिल्ड्रन का हम थोड़ा सा अलग निकालेंगे. इज इट क्लियर? तो मैं आपको सारे बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी दे दूँ, उसमें से चिल्ड्रन का हम अलग से निकाल लेंगे. कि इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन ऑफ टेक्नोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी हेड क्लियर. कि हमें कुछ रट्टा नहीं मारना, हमें सिर्फ दो दो तीन तीन वर्ड्स याद करके आंसर बना लेना. आपके पास टेम्पलेट्स तो हैं? टेम्पलेट्स हैं और उसमें हम फिट कर लेंगे इसको. इट्स गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू. ओके, नाउ शैल आई गिव यू? समझ गए हम कैसे करेंगे हेड्स के अंडर? करूँ स्टार्ट? साइंस, ये मैं आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग लाइंस दे रही हूँ. जो आपकी इंट्रो में कोई भी साइंस का टॉपिक आएगा, टेम्पलेट्स में फिट हो जाएंगी. आप स्टार्ट करते हो ना द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, ये आप उसके आगे इम्पॉर्टेंस के आगे ये लाइंस बना सकते हो कि आपको इंट्रो पे पेंसिल रख के सोचना ना पड़े. कि आपके दिमाग में लाइंस हैं, यू डोंट हैव टू वेट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ द एसे. क्योंकि बच्चा दो जगह वेट करता है, एक इंट्रो की स्टार्ट पे और BP1 BP2 की स्टार्ट पे. आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, आप लाइंस पढ़ लेना, वो फिट हो जाएंगी उसमें. इज इट क्लियर? एवरीबडी रेडी? शैल आई स्टार्ट? लिखो. साइंस इज अ लॉजिकल एप्लीकेशन. दिस इज गोइंग टू बी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. साइंस इज अ लॉजिकल एप्लीकेशन विथ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स. हाइपोथेटिकल होता है इमेजिनरी, इमेजिनेटिव. विद हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स विच आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स विच आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स लीड्स टू रिसर्च डिस्कवरी एंड इनोवेशन. द इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस होते हैं रिजल्ट्स. द इन्फ्रेंसेस आर ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. इसको अंडरलाइन कर लेना, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. इसका क्या मतलब है? ऐसा मतलब है कि टेक्नोलॉजी में जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी इनोवेशन है, जो भी उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, वो टेक्नोलॉजी के वो ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है. दिस मीन्स अंडर नो कंडीशन वी विल गो अगेंस्ट टेक्नोलॉजी. मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें कभी डिसएग्री है ही नहीं. टेक्नोलॉजी कॉजेज पोल्यूशन, हमें सुनते ही लगता है नहीं नहीं आई एग्री. क्योंकि आपके दिमाग में क्या आता है? ऑटो जो धुआं निकालती है. तो वो आंसर वहाँ पे थोड़ी चलना है. टेक्नोलॉजी कॉजेज नो पोल्यूशन, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजेज पोल्यूशन. समझ गए हो ना? कि थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो तो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स ही हैं. अब इसके बाद जब आपको आई थिंक टुडे इज़ वेनसडे, मंडे को आपके नोट्स हैं, मंडे मेरी क्लास है, योर नोट्स विल बी ऑन फ्राइडे. फ्राइडे आपको जब टेक्नोलॉजी के नोट्स मिलेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. कि मैंने आज आपको समझा दिया सारा. समझ आ गया ना आपको इतना? अब हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है बेटे? इमेजिनेटिव. इमेजिनेटिव स्टेटमेंट कैसी है? कि टेक्नोलॉजी में एक साइंटिस्ट ने देखा कि ऊपर कोई चीज़ उड़ रही है, वो एक इमेजिनेशन है, उड़ रही है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? अपने लॉजिक्स लगाए, एक्सपेरिमेंट्स लगाए और उसने उस चीज़ को प्रूव करके रिजल्ट्स दे दिए, प्लेन बना दिया. हमने इमेजिन किया आज से कुछ साल पहले, 50 years back, कि कितना अच्छा होता इससे फ़ोन कर रहे हैं, इसकी शक्ल भी नज़र आ जाती. ये हमारी इमेजिनेशन थी ना, क्योंकि तब था नहीं ऐसा.
फिर साइंटिस्ट ने ये इमेजिनेशन पकड़ी, एक्सपेरिमेंट्स किए और आपको क्या दे दिया, वीडियो कैमरा दे दिया, वीडियो कॉलिंग्स दे दी, वो फ़ोन दे दिया जिसमें आप कहीं पे भी लेके चले जाओ। पहले लैंडलाइन होता था, जिसका फ़ोन आता था उसको आवाज़ पड़ती थी कि तेरा फ़ोन आया है, आजकल ऐसा नहीं है। सो इट इज़ ऑल द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इज़ इट क्लियर टिल हियर? ये इंट्रो है। अब जब आप नोट्स लिखोगे आपको 2 मिनट में सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, शैल आई मूव? लिखो, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अंडरलाइन करके सेकेंड लाइन पे आना। लाइफ इज ऑलवेज बेटर, विथ टेक्नोलॉजी अगर क्वेश्चन होगा तो विथ टेक्नोलॉजी चलेगा, नहीं तो ब्रैकेट में लिख लो प्रेजेंट, आज की लाइफ बेटर है। लाइफ इज बेटर इन द प्रेजेंट और विथ टेक्नोलॉजी। इट इज नहीं, इट हैज मेड, इट हैज मेड द लाइफ मच ईजियर फॉर एवरी एज ग्रुप, फॉर एवरी एज ग्रुप। मेनली द चिल्ड्रन, क्योंकि अब हम इसको डिस्कस करने लगे हैं, समझे? मेनली द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन अंडरलाइन करके पॉइंट्स लिखो नीचे। फर्स्ट पॉइंट, नाउडेज चिल्ड्रन आर डेवलपिंग मच मोर इंटरेस्ट एंड रिटेंशन in their studies, in their studies. Second point, digital education has created a revolution. Next point, audio visual impacts are so strong which increases the interest and retention. Next point, computer games increase the mental ability. Computer game increases the mental ability. Children learn Time management. Next point, children in modern era are becoming more creative. More creative and tech friendly. Next point, homeworks, assignment and projects
are becoming research-based. Research-based. Last point. Technology is making life of children very easy and comfortable. Because the work is errorless as well as effortless. कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती उनकी. इज इट क्लियर? ये हमने क्या किया, फेवर में गए हैं. लेकिन उसने पास्ट में पूछा, तो पास्ट में लाइफ कैसी थी बच्चों की? कैसी थी लाइफ पास्ट में? स्लो और डल एंड व्हाट? सिंपल. सिंपल, स्लो, डल एंड चिल्ड्रन दे वर मच डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स भी एंड थ्रेटिकल वर्क. टेक्निक नहीं थी. इज इट क्लियर? एक लाइन दे दूँ, इसको इलाबोरेट करोगे पास्ट में? क्योंकि पास्ट के पॉइंट्स भी कम हैं. इसने बोथ साइड्स कही हैं तो हम बोथ साइड्स डिस्कस कर लेंगे. बट अगर वो कहेगा विच इज़ बेटर, तो प्रेजेंट इज बेटर. ओके, अब बताऊँ पास्ट में? लिखो, पास्ट अंडरलाइन कर लेना. ड्यूरिंग पास्ट लाइफ वॉज, अब लाइफ वॉज छोड़ रही हूँ, कुछ भी आएगा वो लगा लेना आप. लाइफ वॉज स्लो, डल एंड वेरी सिंपल. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वॉज लेस. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वॉज लेस. अवेयरनेस अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन वॉज नॉट मच. अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन वॉज नॉट मच. इज इट क्लियर? ये हमने पकड़ा है अभी चिल्ड्रन. अब ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे आ जाओ. देखिए, जब आपको नोट्स मिले, नोट्स जब मैं करवाऊंगी, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये. और आपने घर जाके काम करना है. ऐप है ना आपके पास, सबके पास एक्सपेक्टेड की उसमें सारे क्वेश्चंस हैं. उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का यूनिट निकालना, सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करना. यू विल बी एबल टू आंसर 50% ऑफ द क्वेश्चन. और 50% ऑफ क्वेश्चन आप ट्यूसडे तक सारे आंसर कर लोगे, बिकॉज आपके पास नोट्स आ जाएंगे. इज इट क्लियर? लिखो, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी मैं डिटेल्स में नहीं लिखवा रही, नोट्स डिटेल में आ जाएंगे आपके पास. टेक्नोलॉजी मेक्स द लाइफ वेरी कंफर्टेबल. मेक्स द लाइफ वेरी कंफर्टेबल. अब ये आपको हिंट मिल गया. अब फर्स्ट पॉइंट पे आओ. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेक्स द कंट्री प्रोग्रेसिव socially, economically,
एंड पॉलिटिकली, तीनों को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना कि टेक्नोलॉजी में ये तीन वर्ड्स अगर आपको याद रह गए तो आपका आंसर बहुत जल्दी बन जाएगा. इज इट क्लियर? अब सोशली बाहर निकालो कि आंसर इलेबोरेट भी तो करना है. सोशली टेक्नोलॉजी कैसे हमें हेल्प कर रही है? हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस सोशली? वेरी गुड. इंटरेक्ट विद? क्या बात कर रहे हो आप? व्हाट्सएप रिलेटिव्स के साथ चलाते हो? उनको छोड़ के सबके साथ चलाते हो? ब्लॉक रिश्तेदार कितने होते हैं? क्या बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का? सोशल बेनिफिट पे, अभी इकोनॉमिक पे नहीं आना. अवेयरनेस और क्या है सोशल बेनिफिट? न्यूज़ मिल जाती है आपको. हाँ. सोशल बेनिफिट तो बहुत है टेक्नोलॉजी का. आप कौन सा बेनिफिट लेते हो टेक्नोलॉजी का? सोशल कौन कौन सी साइट्स यूज़ करते हो? चैटिंग करते हो और क्या करते हो? स्टडी की नहीं बात करनी, वो तो करते ही नहीं हम, वो तो क्लास में हो गई बहुत है. दिन में एक घंटा मेरे साथ खप जाओ बहुत है. और बोलो सोशल बेनिफिट क्या है? आपको नहीं लगता आपके ग्लोबल रिलेशंस बन रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं? पता चल जाए कि ये फ्रेंड कनाडा है तो उसका तो दिमाग खाते हो आप अच्छे से. सबसे पहले उसको ग्रुप में ऐड करते हो ना. तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी? इट इज़ गिविंग यू एन इंटरनेशनल ग्लोबल होराइजन. इंटरनेशनल रिलेशंस डिवेलप हो रहे हैं. लिखो फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, वो रिलेटिव्स वाला पॉइंट नहीं लिखना, वो नहीं करते हो. फर्स्ट, इट डिवेलप्स इंटरनेशनल रिलेशंस. नेक्स्ट, वाइडन्स द होराइजन. होराइजन समझते हो कि हमारी सोच बड़ी ब्रॉड हो गई है. होराइजन, इट widens, widens होता है बढ़ाना, कि सोच का दायरा बढ़ गया हमारा. इट widens the horizon. नेक्स्ट, क्रॉस कल्चरल रिलेशंस. क्रॉस कल्चरल रिलेशंस आर डिवेलपिंग. क्रॉस कल्चर समझते हो? एक दूसरे कल्चर में क्रॉस कल्चर रिलेशंस आर डेवलपिंग. नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबल विलेज. ग्लोबल विलेज. ठीक है, मैं आपको एक एक दो दो हिंट्स दे रही हूँ. अभी डिटेल्स मैंने परसों लिखवानी है कि आप इसको घर जाके रिवाइज कर लो, फिर जब नोट्स आपके पास आएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये रिवाइज कर लेना. सो नोट्स बिकम द नेक्स्ट लेक्चर बिकम्स ईजी. अब लिखो इकोनॉमिक. इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है टेक्नोलॉजी का? डिजिटल पेमेंट. मैं तेको बार बार बोल रही हूँ ऐसे पॉइंट्स हो जिसमें एकदम स्कोर आ जाए. डिजिटल पेमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ पॉइंट. गिव मी द मेजर पॉइंट्स और सोचो. हाँ, फेस टेक्नोलॉजी. कौन सी टेक्नोलॉजी? स्पेस टेक्नोलॉजी. इकोनॉमिक में उहदे नाल सानू आर्थिक फायदा की है. व्हाट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट? तो नहीं लगता ऐसे दियां फाइव लाइंस वेस्ट हो जानी है एग्जामिनर नू समझांदे समझांदे? उसको ऐसी बात करो कि उसकी समझ में आ जाए, क्योंकि मैं भी वही बात करती हूँ जो आपकी समझ में आ जाए. जब हम कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसको हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना पड़े या ज़्यादा लाइंस वेस्ट करनी पड़े, तो उसमें क्यों उसको इरिटेट करते हो?
सिंपली बैंड्स लो और घर जाओ, इकोनॉमिक बेनिफिट लिखो. इट इंक्रीजेस, अब इट टेक्नोलॉजी है ये, इट इंक्रीजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन. हाँ मैम को अच्छा लगा पॉइंट, जब आपको अच्छा लगा तो उसको भी लगेगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने वर्ड दे दिया, हमारे पास मार्जिन है एक्सप्लेन करने का, अगर हम करना चाहें तो कर लेंगे, नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे. इट इंक्रीजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉमा मॉडर्नाइजेशन. Which leads to global job opportunities. Which leads to global job opportunities and increases. इसको underline करना है, increases को. Per capita income of the society. समझ में आई बात? जब इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक वर्ड्स चाहिए, विकैबलरी को थोड़ी बाईपास करेंगे हम. इकोनॉमिक वर्ड क्या है? पर कैपिटा इनकम. टेक्नोलॉजी का मकसद है इंडस्ट्रीज लगनी, जॉब्स आनी, जब जॉब्स आएंगी तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा. व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? लोगों की निजी आमदन. जैसे आप पर हेड कहते हो ना, पर हेड इतने प्लेट आई है, पर हेड का मतलब है, इसका मतलब है पर कैपिटा इनकम, हर बंदे की आमदन, वो इंक्रीज होती है टेक्नोलॉजी से. अब मैंने आपको एक लाइन में सारी इकोनॉमिक ग्रोथ समझा दी उसकी, आपको अलग अलग वर्ड्स नहीं देने की ज़रूरत है, वो हम डिटेल्स बाद में देखेंगे, इतनी हमारे पास स्पेस ही नहीं है. 250 वर्ड्स में कितना कर लोगे? पॉइंटर्स छोड़ के एक्सप्लेनेशन में आओगे, स्कोर नहीं आएगा. अब थर्ड आओ, पॉलिटिकल. पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है भाई? ये तो आपको पता होना चाहिए. इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे होते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? ट्रेड बढ़ती है. और क्या बढ़ता है? ट्रेड, हम टूरिज्म में चले जाएंगे फिर. और क्या बढ़ता है? जब पॉलिटिकल रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छे हैं तो क्या होगा? अब फिर अब जॉब्स में दिमाग नहीं लगाना, वो हो गया, आगे चलो. मैंने आपको रेपुटेशन नहीं करने देना आंसर्स में. हाँ प्यार नहीं बनाना हमने, बहुत बहुत 15,000 का प्यार पै जाना है, बहुत महंगा प्यार है ये. और क्या होता है भाई? पॉलिटिकल रिलेशंस जब अच्छे होंगे तब एक ही चीज़ होगी, दैट इज टूरिज्म विल इंक्रीज. आप वर्ड क्यों नहीं सोच रहे हो? टूरिज्म इंक्रीज होगा. टूरिज्म चाहे एजुकेशन टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, कोई भी टूरिज्म है, बिजनेस टूरिज्म भी है, तो वो एक ही वर्ड आएगा पॉलिटिकल रिलेशंस के साथ, टूरिज्म. देखो आपके क्या, हम इंडिया के कनाडा के साथ टर्म्स ठीक हैं? आपको फटाफट पीआर मिल रही है? नहीं मिल रही? आइल्स कर ले, मिल जाएगी. कहती नहीं मिली अभी. इंडिया के कनाडा के साथ टर्म्स ठीक हैं? पीयर मिल रही है. जब अमेरिका के थोड़े टर्म्स ठीक नहीं थे एशियंस के साथ, तो इसने वीज़ा रोका ना, तो फिर व्हाट इज़ इट? दीज आर द पॉलिटिकल टर्म्स. टूरिज्म ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल रिलेशंस. और कौन सी कंट्री हम प्रेफर करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है? नोबडी प्रेफर्स अ कंट्री इन विच देर इज़ नो वाईफाई. जाओगे वहाँ पे? तालिबान जाओगे? नहीं जाओगे. वहाँ आइल्स भी नहीं करनी, चले जाओ. वो कहेंगे आ जाओ, जॉब भी है, सीधी टेररिज्म में जॉब, नो प्रॉब्लम. नहीं जाओगे. यू विल चूज अ कंट्री वेर इज टेक्नोलॉजी. पॉलिटिकल बेनिफिट लिखो. अब मैंने एक ही लाइन देनी है, बाकी नोट्स में चलेगा सारा. Political policies increase international relations.
which multiplies tourism. Is it clear? एक ही लाइन दी है मैंने ताकि आपको रिविजन में दिक्कत ना हो, फिर बाद में करेंगे. नाउ दिस ऑल दीज पैराग्राफ्स ऑल दीज पॉइंटर्स विल सपोर्ट यू टू डिवेलप 3 क्वेश्चंस. इज इट क्लियर? समझ आया? अब एक मिनट नोटबुक बंद करो, फ्रेश हो जाओ. जितनी नींद वींद आ रही है खोल लो अपनी, सोना नहीं है क्लास में. हाँ हाँ रिलैक्स करो एक मिनट. अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, एक सेकंड में आंसर देना मेरे को. हाँ जी सर, हो गए फ्रेश? ठीक है. टेक्नोलॉजी के कितने बेनिफिट्स हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी? बैक साइड. हाँ जी सर बोल बेटे. क्या क्या सोशल पॉलिटिकल क्या है इसका? मेक्स द कंट्री प्रोग्रेसिव. जब वो प्रोग्रेसिव वर्ड ही हट गया तो सोशल का कोई फायदा नहीं है. प्रोग्रेस इज द वर्ड. ओके सर, बच्चे बता मेरे को टेक्नोलॉजी के कोई डिसएडवांटेजेस हैं? पक्का? हाँ बोल बोल बोल. शाबाश. मिस यूज दे विच टेक्नोलॉजी द डिसएडवांटेज है, अदरवाइज नहीं है. ओके नाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कॉजेज पोल्यूशन? दिस साइड यस और नो? चलो हेल्प, थैंक गॉड सारा याद हो गया. नहीं तो आपकी मेमोरी पता है कितनी है, जितनी गजनी की मेमोरी थी ना, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाते हो. अब आप भूलोगे नहीं टेक्नोलॉजी, बिकॉज परसों मैंने फिर नोट्स कराने हैं और ये एक्सपेक्टेड यूनिट है टेक्नोलॉजी का. इट कैन कवर एनी थिंग और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यू कैन टेक एनी ऑफ द आंसर. इज इट क्लियर?